नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सिंपल यंग में। आज दोस्तों मैं आपको अपनी कुछ मिस्टेक्स बताऊंगी जो कि मैंने किया है हैंगिंग बास्केट बनाते समय। और आपको मैं सही तरीका भी बताऊंगी कि हैंगिंग बास्केट जब हम बनाएं तो ये गलतियां ना करें, और मैंने जो किया है मैंने उससे सीखा है, तो वो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब भी हम मैं मेरी जो गार्डनिंग है, गार्डनिंग मैं करती हूँ वो मैं अपनी खुद से करती हूँ। मैं गूगल ज्ञान या किताबी ज्ञान से नहीं करती हूँ, सीखती हूँ, गलतियाँ करती हूँ उसी से सीखती हूँ। तो होता ये है कि कई बार जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो हमें वो सफल भी हो जाते हैं, कई बार वो गड़बड़ भी कर जाते हैं। तो लेकिन ये है कि अगर सफलता नहीं भी मिलती है, कोई भी एक्सपेरिमेंट हो, चाहे वो गार्डनिंग में हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, अगर नहीं भी सफलता मिल रही है तो भी ये है कि हम सीख बहुत कुछ जाते हैं, काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिलता है। तो बस आज मैं आपको अपनी गलतियों से मैंने क्या क्या सीखा मैं आपको वो बताऊंगी, और हैंगिंग बास्केट बनाना भी ठीक से बता दूंगी कि उसको उसमें हम लोग क्या क्या गड़बड़ ना करें, बिल्कुल सही से हमारे विंटर फ्लावर के लिए बास्केट बने। तो चलिए दोस्तों, देखिए ये देख रहे हैं पेटोनिया प्लांट है, फ्लावर आप लोगों ने भी लगाया होगा, बहुत अच्छा फूल है ये, बहुत खूबसूरत रहता है और बड़ा ही कॉमन प्लांट है, और ये मार्च तक चलने वाला फूल है, मार्च से ज़्यादा भी चलता है, अप्रैल तक भी चलता है। बस ये कि हमको थोड़ा सा इसको जैसे इतनी तेज़ धूप में से हटाना होता है। आपको मैं अपने पुराने पिछले साल के पिक्चर्स भी दिखा दूंगी। उसमें क्या है, उसमें पत्तियां कम दिख रही हैं, मतलब इतनी, जैसे आप लीव्स देख रहे हैं ना, लीव्स कम है उसमें, फूल ही फूल भरा हुआ है। मैं आपको वो पिक्चर्स अभी दिखा दूंगी वीडियो में। तो मैं आज आपको यही सब बताने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या गड़बड़ की, क्योंकि देखिए कोई भी प्लांट हो, कोई भी फूल हो, विंटर का फूल तभी प्लांट जो है तभी अच्छा लगता है जब उसमें फूल ही फूल हो और लीव्स कम हो, है ना। ऐसा नहीं है कि इसमें फूल नहीं आ रहे हैं, पर वो बात नहीं है जो होनी चाहिए, वो चीज़ नहीं है। तो मैंने क्या किया, गड़बड़ किया है वो मैं चलिए आपको पहले बताऊँ। फर्स्ट जो मैंने गड़बड़ किया था, मेरे जो पहले, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा इसका, किस किसी में बहुत सारे वीडियो में मैंने शेयर किया होगा, तो मैंने जब ये पिटोनिया को लगाया था तो मैंने इस ये ऐसी बास्केट में दो प्लांट, मतलब दो पेटोनिया के प्लांट छोटे छोटे थे, इतनी बड़ी बड़ी सी सीडलिंग्स थी एक्चुअली में, वो सीडलिंग्स थी, उसको मैंने दो लगाए थे। तो जो पेटोनिया होता है उसको पूरा एक, मतलब इस तरीके के पॉट में सेपरेट लगाना सही होता है, उसको आप कभी भी एक साथ दो मत लगाइए, सिंगल पॉट में लगाइए। जैसे कि ये देखिए, ये है ना, ये मेरा सिंगल में लगा हुआ है, एक पॉट में लगाया तो ये बहुत अच्छा खिल रहा है, इसमें पूरा फूल भरा हुआ है, ये बहुत बढ़िया चल रहा है ये वाला, है ना। लेकिन ऐसी बास्केट में मैंने दो लगा दिया। दो लगाने से हुआ क्या कि इसको जो है ना, जो भी विंटर के प्लांट्स होते हैं, फ्लावर होते हैं, उनको फर्टिलाइज़र अच्छा चाहिए होता है, लिक्विड फर्टिलाइज़र चाहिए होता है। तो होता ये था कि इसमें लगाया, एक तो पहले ही मैंने जगह उसकी कम कर दी, जो चीज़ फैलने वाला प्लांट था उसको मैंने जगह भी कम दे दी, उसके बाद अगर मैं फर्टिलाइज़र दे भी रही हूँ तो वो बट जा रहा था, वो प्रॉपर तरीके से इसको नहीं मिल रहा था। ये मेरी पॉट के मामले में मैंने जो गलती की, मतलब इसको सिंगल पॉट में लगाइए, जब भी लगाइए सिंगल लगाइए, ठीक है। उसके बाद मेरी ये पहली गलती थी। दूसरी गलती बताऊँ मैं आपको क्या थी, मैंने जब बास्केट तैयार की, तो बास्केट जब भी आप तैयार करें तो वन पार्ट आपकी जो सॉइल है, मिट्टी है, मतलब सैंडी सॉइल, वो आप यूज़ करें। आप वन पार्ट वर्मी कंपोस्ट लें, वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट आपके पास जो हो आप वो लें, प्लस सेम मात्रा में ही, मतलब वन पार्ट आप कोकोपीट लें, तीनों का जो रेशियो है इक्वल इक्वल रखें जब भी आप बास्केट तैयार कर रहे हो विंटर फ्लावर के लिए। मैंने क्या किया था दोस्तों, जब मैंने इसकी मतलब बास्केट इसमें लगाया था, तब मैंने उसमें कोकोपीट की मात्रा नहीं यूज़ की थी, मैंने कोकोपीट यूज़ ही नहीं किया था। तो होता यह था कि जो भी पानी में इसमें वाटर दूंगी देती थी तो वो सारा का सारा ड्रेन आउट हो जाता था, तब इतने सारे छेद हैं तो वो पानी तो बहेगा ही, तो सारा का सारा पानी रुक
जो कोकोपीट होता है वो रोक के रखता है, तो वो पानी बह जाता था। तो अब जब मैंने, आप ये जैसे नेस्टेशियम देख रहे हैं, नेस्टेशियम में मैंने क्या किया कि इसमें मैंने, जैसे मैंने आपको बताया कि वन पार्ट मिट्टी सॉयल, वन पार्ट कोकोपीट और वन पार्ट वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट, जो जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो आप अपना इसमें यूज़ कर ले। तो अब आप देखिए, जैसे जो प्लांट जिस तरीके से मुझे पसंद है, अब जाके ये वैसा हुआ है। ये देख रहे हैं, इसमें ऐसे ही फूल प्लांट अच्छे लगते हैं जब उसमें फूल ज़्यादा दिखाई दें और पत्तियां कम दिखाई दें। ये देखिए आप, ये देख रहे हैं, इसमें खूब फूल भर गए हैं एकदम। और बहुत, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने इसकी बास्केट को तैयार किया है, तो ये वाली गलती मैंने इसमें अपने को, मतलब इधर सही कर लिया, तो ये अब इसके पोजीशन इस तरीके से हो गई है। तो ये हो गया कि आप इस, जब भी बास्केट तैयार करें तो आप अपना इस तरीके से इसकी सॉइल तैयार करें, उसमें कोकोपीट जरूर यूज़ करें, बास्केट में ज़रूर करें। तीसरा चीज़ ये है कि जैसे अगर हम इसमें पॉट में लगा रहे हैं, चाहे मिट्टी के चाहे प्लास्टिक के, जैसे अब ये वाला प्लास्टिक का ही है, तो प्लास्टिक में लगा रहे हैं तो नहीं, अगर कर रहे हैं कोकोपीट नहीं यूज़ कर रहे हैं, कंपोस्ट ही कर रहे हैं, उसको उसकी मात्रा को थोड़ा ज़्यादा कर दें। और पानी का ज़रूर ध्यान दें, वाटर, मैंने ये भी मैं थोड़ी सी गड़बड़ तो मैंने की, थोड़ी सी इस बार बारिश ने कर दी, थोड़ी सी सी क्या, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, उससे भी हो गया। हुआ ये कि इसमें पानी जल्दी जल्दी सूख जाता था, तो एक तो मैं खुद भी इसमें पानी नहीं दे रही थी, जैसा कि मैं आपको बताऊं, मैं दोस्तों थोड़ा सा कम ध्यान दे पा रही थी अपने गार्डन में, तो इसकी वजह से ये सूख जा रही थी, इसकी मिट्टी बिल्कुल सूख जा रही थी, ड्राई हो रही थी। उसके बाद जब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी तो पानी बहुत भर रहा था, तो होता क्या था कि कभी बहुत, मतलब एकदम मिट्टी सूख जा रही है, कभी बिल्कुल ही पानी भर रहा है, भर जा, मतलब बहुत पानी इस पे पड़ रहा है। जैसे पॉट मेरा वेल ड्रेन है, जितना पानी इसमें बारिश का जो जा रहा था वो ड्रेन तो हो रहा था, लेकिन बहुत पानी पड़ रहा था इस पर। जैसे आप लोग भी जानते हैं दोस्तों, बहुत बारिश हुई है, तो कभी कम पानी कभी ज़्यादा पानी, मतलब बिल्कुल रेगुलर कुछ नहीं, उसकी वजह से प्लांट भी स्ट्रेस में आ जाते हैं, वो ने उतनी अच्छी तरीके से नहीं हमको रिजल्ट दे पाते हैं। तो लेकिन अब जब आप देखिए, अब इसमें मैंने ये सब चीज़ें अपनी कमी पूरी की है, और आप इसमें देखिए बहुत अच्छी ब्लूमिंग हो रही है, ये देखिए अब बहुत अच्छी, और अब ये काफ़ी टाइम तक होगी, अब इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ये देखिए सब बिल्कुल नई नई इसमें बर्ड्स आ रही हैं। तो मैंने ये जो तीन गलतियाँ की थी, एक तो मैंने पहले तो यही किया कि जो जब भी बास्केट बनाई है तो उसमें कम से सिर्फ एक पॉड, मतलब एक ही प्लांट लगाइए आप, दूसरा कोकोपीट आप ज़रूर यूज़ करिए, तीसरा अगर जो है वाटर का बिल्कुल इसको मतलब मॉइस्चर को बना के रखिए, मॉइस्चर बना रहता है, तो क्योंकि इनके पास जगह नहीं होती है, इनके पास थोड़ा सा तो सामान होता है, थोड़ा सा खाना, थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ा सा पानी, सब कुछ थोड़ा थोड़ा सा रहता है, तो इसलिए हमको इनको थोड़ा ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। यही चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। तो ये सारी जो गड़बड़ मैंने की थी, मैंने इसमें वो सब चीज़ों को देखभाल के सब किया, तो मुझे इस तरीके से रिजल्ट मिला। और बाकी आप ये वाले में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, इसमें तो बहुत सारा फूल निकला। अब आपको, चलिए मैं ब्लास्टर के अपने जो फूल हैं वो भी मैं दिखा देती हूँ, बहुत उसमें फूल हुए आए हुए हैं थे। ये देखिए दोस्तों, ये मेरे पुराने पिटोनियास के लास्ट ईयर के पिक्चर्स हैं, ये कुछ ही मैंने रखे हुए थे, बाकी सब तो इधर उधर हो गए। ये देखिए अभी आपको मैं जगह भी दिखाती हूँ कि मैंने कहाँ पे लगाया था, ये देखिए कितने फूल भरे हैं इसमें। ये देखिए यहाँ पे इस ग्रिल पे ही मैंने ऐसे हैंग किया हुआ था, तो ये इधर तो मेरे नेबर का घर है, बहुत सुंदर सुंदर इनके यहाँ भी प्लांट्स लगे हुए हैं, तो यहाँ पे ही हैंग किया था मैंने, और अब नहीं, मैं यहाँ पे रखती हूँ क्योंकि मुझे बहुत जगहों पे भी मेरे प्लांट्स बिखरे हुए रहते हैं, मुझे सब देखने पड़ते हैं, इसलिए मैं अब सबको ही मैं टेरेस पे ही लगाती हूँ, अब यहाँ पे नहीं लगाया। तो जो मैंने आपको पिक्चर्स दिखाई वो यहीं पे यहीं की है, तो चलिए अब छत पे चलती हूँ मैं। हाँ दोस्तों, ये जो पेटोनिया है ना, ये देखिए कटिंग से लग जाता है, इसमें फूल भी एक बार निकल चुका है, मैंने कम्युनिटी में डाला था, आपको दिखाया भी था, कटिंग से बहुत इजीली लग जाता है। अब आपको ये बता रही हूँ मैं कि ये देखिए सिंपल कोकोपीट में ही मैंने इस कटिंग को लगाया था, बहुत आसानी से ये लग जाता है, इसमें फूल आ रहे हैं, ये देखिए इसमें जो है ना,
तो चलिए चलते चलते मैं आपको अपने ये फ्लॉक्स दिखा दूं और डैंथर्स दिखा दूं, और इधर गुलाब। बिल्कुल मैंने थोड़ा सा इसकी जगह चेंज कर दी, उस साइड में रखा था, अब ये यहाँ पे मैंने रख दिया है। ये देखिए कितने अच्छे इसकी ब्लूमिंग हो रही है। और ये अजेलिया, और ना दोस्तों ये है देखिए, ये देसी वाला पिटूनिया है, बहुत है। अभी मैं किसी और दिन आपको इसके बारे में पूरा बता दूंगी। और ये सब मेरे यहाँ खूब अभी गंदगी फैली हुई है, मैं यही सब सफाई फाई सब कर रही हूँ यहाँ पे छत पे। और चलिए दोस्तों चलती हूँ, बाय, थैंक यू। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। बाय।